सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे सब बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और समझते हुए आगे चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर वन है, ओम में ओ के आगे बना जो चिन्ह है वह क्या है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों, आपको पता है कि जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, प्लुत स्वर का यह संकेत है। क्वेश्चन नंबर टू है, ई वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु। तो यहाँ पर आप देखिए, कंठ में तो का वर्ग आता है, अ और आ आते हैं, हा आता है, विसर्ग आता है, तालु में चा वर्ग आता है, इचु यशा नाम तालु, यानी कि ई ई दोनों ई बड़ी ई छोटी ई, इसके अलावा च वर्ग में चा छा जा झा, और इसके अलावा श, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? तालु के अंतर्गत। तो ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, पितृडम में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि? तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का अगर सूत्र पूछता है तो अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ, इस तरीके से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, शुद्ध वाक्य है, ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति, या फिर उपयुक्त सभी? राइट आंसर है ऑप्शन अ, ज्ञानम बिना न मुक्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है, चतुर्विंशति का अर्थ है? तो चतुर्विंशति, विंशति मतलब बीस और चतुर मतलब चार, तो बीस और चार चौबीस, तो यहां पर ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, संख्यावाची शब्द एकोन विंशति अंक का वाचक है, एकोन विंशति का हिंदी अनुवाद क्या है? दोस्तों, तो यहां पर आप देखिए, एकोन विंशति यानी कि बीस में एक नहीं है, एकोन तो एक नहीं है, बीस में से एक आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? उन्नीस आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर एट है, इको यणच सूत्र है, इको यणच किसका सूत्र है? दीर्घ संधि का, गुण संधि का, यण संधि का या अयादि संधि का? दोस्तों, इको यणच यण संधि का सूत्र है, दीर्घ संधि का आपको पता ही है अका सवर्णे दीर्घा, गुण संधि का आदि गुणा, और अयादि संधि का एचो अय आव आवह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है, संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? दो, तीन, चार या फिर पांच? तो संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या दोस्तों जो होती है वो होती है दो। कौन कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर टेन है, चंद्रशेखर में समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या बहुव्रीहि समास? दोस्तों, चंद्रशेखर यानी कि चंद्रमा है शिखर पर जिसके, तो चंद्रमा किसके शिखर पर है? अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है बहुव्रीहि समास, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्वनि के काल समय से उत्पन्न भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों, ध्वनि के काल या समय से उत्पन्न भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वर होते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या उपरोक्त सभी? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद है, कंठ, तालु या जिह्वा या उपरोक्त सभी? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। आप सभी को पता है कि जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ, तालु, जिह्वा, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सभी होते हैं उच्चारण स्थान। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं तीन, चार, पांच या फिर छह? दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। तो यहां पर आप देखिए, ऑप्शन
बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उष्म व्यंजन होते हैं तीन चार पांच या फिर छह। तो उष्म व्यंजन दोस्तों होते हैं श श श और ह। तो श श स और ह यही चार होते हैं, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं 21, 14, 32 या फिर 30। तो पाणिनि महर्षि पाणिनि ने ही दोस्तों बताया था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन्हें हम संस्कृत वर्णों के सूत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी है, या संस्कृत में कुल कितनी संख्या है ध्वनियों की, या फिर संस्कृत में ध्वनियों की कुल कितनी संख्या है, 21, 25, 30 या फिर 64। दोस्तों राइट आंसर है 64, 64 ध्वनियों की बात हो रही है यहाँ पर, कहीं कहीं आपको 63 भी दिख जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृत भाषा में कुल स्वर कितने हैं। दोस्तों संस्कृत भाषा में कुल स्वरों की संख्या 13 है, आप लोग को ऑलरेडी मैंने बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं। तो संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या है 33। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, संस्कृत भाषा में यम है। दोस्तों संस्कृत भाषा में यम है 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, संस्कृत भाषा में वर्णों के भेद हैं। तो वर्णों के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आपको पता है, स्वर और व्यंजन। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संधि के भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं आप सभी लोग को पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। हल संधि को हम, व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं। और यहाँ पर विसर्ग संधि, तीनों का नाम आप याद रखिएगा, ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपेंद्र में कौन सी संधि है। तो उपधन इंद्रा, इस तरीके से उपधन इंद्रा, तो ये हो जाएगा उपेंद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है गुड़ संधि, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यद्यपि में संधि है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, खरिच संधि या यण संधि। दोस्तों यद्यपि में यण संधि है, ऑप्शन द बिल्कुल सही है। इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से होगा, यदि धन अपि, यद्यपि। क्वेश्चन नंबर 25 है, गंगा में संधि है, अयादि संधि, स्तुत्व संधि, इनमें से कोई नहीं या अनुस्वार संधि। दोस्तों गंगा शब्द में अनुस्वार संधि या व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 26 है, छात्रापि में संधि है, शेर संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों छात्रा अपि, तो छात्रा धन अपि, इसलिए इसमें होगा विसर्ग संधि, ऑप्शन सब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पावक में संधि है। तो पावक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा पौधन अका पावका हो जाएगा। तो पौधन अका, तो यहाँ पर अयादि स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, आ वा वा दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए और सुंदरता लाने के लिए। तो ऑप्शन सा जो है आ वा वा दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वंद समास के भेद हैं, इतरेतर द्वंद, समाहार द्वंद, एक शेष द्वंद। ये तीनों ही द्वंद समास के भेद हैं, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुव्रीहि समास के भेद हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण, अ व व दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, ये दोनों ही समानाधिकरण और व्यधिकरण, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भ्रातरों में समास है, समाहार समास, एक शेष द्वंद समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ब, एक शेष द्वंद समास। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्या धनम में समास है। तो विद्या धनम का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो ये होता है विद्या रूपी धन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो विद्या रूपी धन, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, लेकिन किस प्रकार का, रूपक कर्मधारय समास, ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6, 8, 12 या 18। राइट आंसर है 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दस है आननह यस्य स, दस है मुख जिसके, अर्थात कौन। समास विग्रह के बाद शब्द होगा पंचानना, दशानना या गजानना या कोई भी नहीं।
राइट आंसर है दशानना अर्थात रावण। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं दो, छह, सात या फिर आठ। तो बहुब्रीहि समास के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण समास। क्वेश्चन नंबर 36 है, शब्द बनते हैं वर्णों के योग से, अक्षरों के संयोग से, आ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शब्द कैसे बनते हैं, जैसे कि कमल बना है तो ये कैसे बना है, क म ल तीन शब्दों से मिलकर के बना, तीन वर्णों से मिलकर के बना ना, क वर्ण, म वर्ण और ल वर्ण। तो यहाँ पर आप देखिए वर्णों के संयोग से ही शब्द बनते हैं, तो ये क्या बन गया, एक शब्द बन गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं, दोस्तों संस्कृत भाषा में लिंग और संस्कृत भाषा में वचन, ये दोनों आप याद रखिएगा। संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं तीन, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इसलिए ऑप्शन द बिल्कुल सही होगा। और वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन भी होते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है, फल शब्द में लिंग है, अकारांत पुलिंग, उकारांत पुलिंग, अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ल में क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना, तो अ से अकारांत और पुलिंग, ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिशु शब्द है, शिशु में यहाँ पर सा पर किसकी मात्रा, छोटा उ की मात्रा, छोटा उ मतलब उकारांत शब्द, तो उकारांत नपुंसक लिंग शिशु, ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उकारांत नपुंसक लिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, संबोधन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। दोस्तों इस तरह आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया है, इसके बाद जितने क्वेश्चन है वो मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को उसको शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोज बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोज को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आए आप हमसे बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोज को देखते रहेंगे। दोस्तों अगर आपने सभी वीडियोज को नहीं देखा है जो मैंने बनाई है, खासकर जो आप लोग की क्लासेस मैंने ली है, जिन भी प्रशिक्षण ने नहीं देखा आप लोग प्लीज देख लीजिए। संस्कृत विषय की तैयारी अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो आगे चल करके आपको यूपी टेट और सुपर टेट में भी काम आएगी, तो आप लोग प्लीज सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपको सभी विषयों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और आसानी से आप सभी विषयों को तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं फ्री में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा।